We see a lot of mystery surrounding Sehwag. I'm not saying anything on that. टीम इंडिया के खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो मैदान में एक अलग ही माहौल बन जाता है। भारत के 11 खिलाड़ी जब मैदान पर होते हैं तो विरोधी टीम का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार क्रिकेट के मैदान पर ऐसे मौके भी आए जब भारत के यही खिलाड़ी आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और इनकी आपसी लड़ाई ने कई बार तो तूल पकड़ा तो कई बार कहानी बनकर रह गई। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही कहानियाँ। नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन। साल 1996 के इंग्लैंड टूर पर एक अजीब ही घटना घटी। इंग्लैंड टूर के बीच अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू सीरीज बीच में छोड़ वापस स्वदेश आ गए। हर कोई हैरान था कि आखिर सिद्धू ने ऐसा क्यों किया, जिसका खुलासा 15 साल बाद बोर्ड के पूर्व सेक्रेटरी जयवंत लेले ने अपनी किताब में किया है कि उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबादी भाषा में कुछ गलत बोला था, जिसके बाद सिद्धू गुस्से में दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा। साल 2013 में वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई टीम इंडिया की कमान विराट कोहली के हाथों में थी, क्योंकि धोनी ने सीरीज से आराम लिया था। सीरीज के एक मुकाबले में रैना से जडेजा की गेंद पर हवा में उछला एक कैच छूट गया। कैच जमीन पर गिरते ही जडेजा ने अपना गुस्सा जाहिर किया। ये देख रैना हैरान रह गए और बीच मैच में जडेजा की ओर बढ़ चले, लेकिन दोनों को अंपायर और साथी खिलाड़ियों ने अलग करा दिया। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। साल 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को पाकिस्तान से हार मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक की टीम ने 300 के पार का स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद जवाब में उतरी भारतीय टीम के विकेट जल्द गिरते गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक झोर संभाल रखा था। तभी रविंद्र जडेजा की एक गलत कॉल की वजह से हार्दिक रन आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे, जिसके बाद वो गुस्से से लाल हो गए और जडेजा को अपशब्द बोलते हुए बाहर चले गए। बाद में हार्दिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जडेजा से माफी मांगी। धोनी और वीरेंद्र सहवाग। साल 2009 के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले खबरें आने लगी थी कि टीम इंडिया के उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। धोनी और सहवाग मैदान के अंदर और बाहर एक दूसरे से नजरें चुराते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट से सहवाग को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद कप्तान धोनी गुस्से में आ गए। We see a lot of mystery surrounding Sehwag. I'm not saying anything on that. रोहित विराट का गुस्सा। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक साल 2013 में बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में जड़ा था। उस सीरीज में विराट कोहली भी काफी फॉर्म में थे, लेकिन बैंगलोर के मैच में रोहित ने विराट को रन आउट करवा दिया। विराट गुस्से में लाल हो गए और रोहित को अपशब्द बोलते हुए मैदान से बाहर गए और अपना बैट ड्रेसिंग रूम में जाकर फेंक दिया। यही नहीं, विराट काफी देर तक गुस्से में रहे और ड्रेसिंग रूम से भी रोहित पर गुस्सा जाहिर करते रहे, लेकिन रोहित ने मुकाबले में दोहरा शतक जड़ा और तब कहीं जाकर विराट का गुस्सा शांत हुआ।